आज बात करेंगे मुथूट फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी के ऊपर में। आज जो इसका चार्ट बना है इसे भी आप एक महीना का चार्ट देख पा रहे, बहुत ही प्रॉमिसिंग चार्ट लग रहा है, ऊपर की तरफ अप मूव दे रहा है। और आज का जो ग्रीन कैंडल बना है जो ऊपर की तरफ एक हैमर जैसा बना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इस ग्रीन कैंडल को। और इसका रेंज जो है बहुत ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है, तो इसके ऊपर आज डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा फेसबुक पेज मार्डिम इन स्टॉक मार्केट, इस पेज को आप लाइक एंड फॉलो करके रखिए। इन फ्यूचर में आपको स्टडी करने के लिए भी हेल्प करेंगे और एक एक स्टॉक का ऊपर आगे भी व्यू भी देंगे। पहले आते हैं मार्केट का अपडेट का ऊपर में। आज 16 सितंबर 2021, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं मार्केट आज बहुत अच्छा एक अपमूव दिया है, जहाँ पे निफ्टी 110 पॉइंट का आसपास में गेन मिला है। और वहीं पे एफएल का तरफ से एक अच्छा अमाउंट बाइंग आया है, जो यहाँ पे जब देख पा रहे 1621 करोड़ का आसपास में, जहाँ पे एक बड़ा कैंडल आप यहाँ पे देख पा रहे। ऐसे भी लगातार कुछ दिन से इस एफएल का तरफ से बाइंग आ रहा है, जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आज डीएल का तरफ से एक 50% के आसपास में उसका सेलिंग अमाउंट आया है, जहाँ पे यहाँ पे देख पा रहे 800 आसपास में एक सेलिंग आया है। और वहीं पे आप देखेंगे जो आप यहाँ पे एफएल का तरफ से जो स्टॉक फ्यूचर है, वहां पे एक अच्छा खासा सेलिंग अमाउंट आया है, जहाँ पे 1877 करोड़ के आसपास में आप यहाँ पे देख पा रहे। जहाँ पे मुथूट फाइनेंस का बात करेंगे तो यहाँ पे उसका फ्यूचर्स हाई आप देख पा रहे 1638 रुपीज का आसपास में। यहाँ पे इसका वॉल्यूम का अगर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे 5.5 लाख का आसपास में देखने को मिल रहा है। प्राइस का ऊपर नजर डालेंगे तो आपको आज का प्राइस जो आप देख पा रहे उससे हर जो 5 दिन से लेके 200 डेज तक आपको नीचे देखने को मिलेगा। और वहीं पे इसका RSI जो है आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 60.9 देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे MACD जो है पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे RSI जो इंडिकेटर कर रहा है एक मीडियम इंडिकेटर कर रहा है, ना कि बहुत ही सस्ता है ना कि बहुत ही महंगा है, बीच में है, अच्छा है। और यहाँ पे MACD जो मैं पहले बोला हूँ कि एक पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पे शो हो रहा है। वहीं पे इसका अगर एस्टिमेट को चेक करेंगे तो आपको बहुत ही प्रॉमिसिंग एक टारगेट निकल के आ रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे टोटल 9 एनालिसिस ने 6 मंथ से इसका पर एनालिसिस किए हैं। और उसमें से आप देखेंगे तो आपको 9 में से 5 जो है बाइंग देखने को मिलेगा और 4 जो है होल्ड करने के लिए बोला है इस स्टॉक को। जहाँ पे मैक्सिमम टारगेट निकल के आ रहा है आप यहाँ पे 2200 का आसपास में, जो अभी भी यहाँ से 42% अबव में है। और वहीं पे इसका अगर सबसे लोएस्ट अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे 1433 देखने को मिल रहा है। और ये दोनों का अगर एवरेज करके निकलेंगे तो आपको यहाँ पे 1755 जो यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है एक टारगेट निकल के आ रहा है इस जो 9 एनालिसिस की तरफ से। इसका सुपर ट्रेंड शुरू होता है 1570 रुपीज से। तो हर चीज देखते हुए मुझे लगता है कि एक अच्छा ग्रीन कैंडल, उसके साथ साथ इसका पॉजिटिव मूवमेंट RSI और उसके साथ इसका एस्टिमेट, हर कुछ इसका पॉजिटिव में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यहां से आपको एक स्टॉक जो है 1620 का आसपास में आपको ये स्टॉक हम बहुत ही रिसेंट आपको दिखा सकता है। ऐसे में आपको 52 हाई को भी दिखाया हूं, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 1638 रुपीज का आसपास में। तो मुझे लगता है कि 1620 इससे एक टारगेट देके आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक अगर लेवल को देखने को मिल जाता है उसके बाद आपका साथ में सेकंड वीडियो अपडेट वीडियो लेके आऊंगा इस कंपनी के ऊपर में। तब तक ले टाटा बाय।